एग्जाम चल रहे हैं यार तुम्हारे एग्जाम, और मेरे दिमाग में हमेशा तुम्हारे एग्जाम की चलती रहती है, क्योंकि स्कूल लाइफ मेरे लिए ना ऐसा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूँ, मतलब सबसे बड़ा। और ऐसा नहीं, मुझे फील आती थी, मेरे टीचर मुझे फील करा देते थे बे। मतलब एक बार की बात है, साला हमारा टीचर आ गया जिसने पहले बोला था नहीं लूंगा, क्लास ही नहीं लूंगा, और ऊपर से हिंदी का टीचर, हिंदी तुम सब कौन पढ़ता है हिंदी बे, पता टांगे बे उसे कौन पढ़ता है। लेटली अगर तुम हिंदी पढ़ने वाले ना, माता रानी पाप देंगी। मैं एग्जाम में ना हिंदी में आया था मेरा भारत महान, मैं वीर दारा का गाना लिख के आ गया था, अंबर हे था धरती वसदी अथे हर रुक वती, मजाक नहीं करा 10 में से 8 मिले थे, पर साला आ गया क्लास लेने, बोल गया कि नहीं आऊंगा, और आके शुरू हो गया। वो इतनी कहावते, उसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ, मैं क्यों बताऊं, है गर्लफ्रेंड हूं तेरी, उस लड़के के साथ क्या करी थी, मतलब क्या है, अबे पागल है क्या, कंट्रोल कर अपने को। आगे शुरू हो गया और पूरी क्लास से ना बड़े आसान आसान पूछ रहा है, पैरों के तले जमीन खिसक जाना इसका अर्थात क्या हो। ये ऐसे सवाल मेरे से नहीं पूछता, मेरे से पूछना पैरों के तले जमीन निकल जाना, साले तूने पी रखी है इतनी क्यों पीता है, लोहे के चने चबाना, लगता है कोलगेट करता होगा इसलिए खा पा रहा, दांत स्ट्रांग है उसके लोहा खा रहा है। पर जब मेरी बारी आती है साला हमेशा उल्टा पूछता है, मतलब मेरे से पूछता है, हां बे जीरो तू बता थूक के चाटना क्या होता है। ना ना ना, ना पिघलना नहीं, पिघलना शक्ति, आ शक्ति, जवाब दिया साले को, सर थूक के चाटना होता है, आपने बोला था आप क्लास नहीं लोगे बट फिर भी आप यहाँ पे, भड़क गया भाई, भड़क गया, मतलब मजाक नहीं कर रहा, लिटरली उसका यही डायलॉग था, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। और ये डायलॉग लिटरली तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी, जब तुम्हारा दोस्त आके तुमसे कहता है भाई भाई बंदी पटवा दे भाई, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, जब तुम्हें बंदी को डेट पे ले जाना होता है बट तुम्हारी जेब में पैसे नहीं होते और तुम अपने दोस्तों से आइडिया मांगते हो, वो कहता बाप की जेब से चुरा ले, और तुम उसकी बात मान के अपने बाप की जेब में हाथ भी मार देते हो, और तुम्हारी अंतरात्मा से आवाज आ जाती है, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। जब भी मैं प्यूडीपाई को सपोर्ट करता हूँ, टी सीरीज के सारे फैन मेरे से क्या कहते हैं, आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इतनी बुरी याद है ना मेरी स्कूल से, इतनी बुरी याद है, मतलब तुम देख लेना तुम्हारी खुद ही क्लास में होगा एक हरामी, मतलब हम तो सिर्फ सिंगल जीरो है, वो लाख जीरो है, और माइनस में मैं तो कहता हूँ साला एक नंबर हरामी होता है बे। मतलब लास्ट में एग्जाम आ रहे होते हैं, बंदे खुशी खुशी पढ़ाई में लगे होते हैं कि उनको पास होना है, बट उसमें ये हरामी आता है, टीचर को याद दिलाता है, सर सर आज प्रैक्टिकल फाइल जमा करनी थी। माय गॉड, अगर तुम उन मंदों में से हो ना जो हर एग्जाम के पहले अपने दोस्तों की जिंदगी तबाह करने के लिए टीचर को याद दिलाते हो आज टेस्ट लेना था, फाइल जमा करनी थी, जब भी तुम अगली बार बोलोगे ना तुम्हारे दिमाग में यही चीज आएगा, क्योंकि जब तुम ये बोलोगे मेरा और तुम्हारे क्लास वालों का सेम रिएक्शन होगा। कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, अरे रोक, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। एक गुस्सा होने वाली बात, तुम तो गुस्सा हो रहे हैं यार, दिल पे क्यों ले रहा, मजाक है, आई नो घटिया है बट मजाक है। मैं बता रहा हूँ अगर तुम्हें जिंदगी में कभी फीलिंग आई ना जीरो वाली, लाल बटन देखो, सब्सक्राइब मारो, इसमें मजा आए ना आए, असली मजा पता कब आएगा, 16 दिसंबर आ रहा है मेरा नया गाना, एक नंबर घटिया गाना, एक नंबर, मतलब यहाँ पर पाजी साहब सात को साथ मारने स्टेमिना है पाजी का, मैं खुद लड़की बन के अपनी मार रहा है, 16 दिसंबर याद रखी, देख लेना इतिहास बनाएंगे हम लोग, एक दिन गाने साथ बने ना बने बट एक दिन इतिहास बनाएंगे हम लोग, बिकॉज वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द इंटरनेट ब्रो, ब्रो से ना स्मैक द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन द रेवोल्यूशन, और अभी के लिए चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। Welcome back guys, I'm the Riyadi 2.0 और मैं हूँ आपकी favorite host इश्कबाजी with zero। My God, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये गाना मेरे से छूट कैसे गया, मैंने इस गाने का टीजर देखा तो मैं excited था इस गाने के लिए, और तुम में से भी किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया। I mean seriously bro, शाहरुख खान, सलमान खान, इन दोनों को जब तुम मिक्स करते हो और जरूरत से ज्यादा पानी डाल के डाइल्यूट करते हो ना, तुम्हें मैं मिलता हूँ, तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं कितना बड़ा फैन है इन दोनों का। Oh my God, इतना प्यारा गाना जो मुझे समझ में भी नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ी अलग लैंग्वेज है, हिंदी नहीं है प्रॉपर, और उम्र भी हो गई तो समझ तो नहीं आया, बट केमिस्ट्री बनी ना भाई, केमिस्ट्री देख रहे हो, मजाक भी नहीं कर रहा, मैंने इतने सारे कपल्स को देखा है ना प्यार मोहब्बत करते हुए, जन्मों जन्मों के वादे करते हुए, इतना मजा कभी नहीं आया जितना इन दोनों को एक साथ एक स्क्रीन पे देख के आया बे। और ऊपर से एक डायलॉग आता भाई का, हम इसके पीछे लग जाते हैं जिंदगी बना देते हैं शाहरुख पाजी, ये डायलॉग सलमान भाई बोलते ना ज्यादा बिलीवेबल होता, मैं बस बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं हेट है बट बिलीवेबल होता, क्योंकि इतिहास गवाह है बे, सलमान भाई अगर दिल से किसी के पीछे पड़ जाए तो करियर बना भी देते हैं, और बाय गॉड कुछ ज्यादा ही दिल से लग जाए तो करियर उड़ा भी देते हैं। डीप हिस्ट्री जोक, तेरा भाई से भी दम है। पढ़ के मेरे ओपिनियन में बिल्कुल जाना चाहूंगा, अगर तुमने ये गाना सुना है तो मुझे क्यों नहीं पता है, माता रानी पाप देंगी, और अगर सुना है तो तुम्हें कैसा लगा, और जस्ट इन केस तुमने नहीं सुना तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, जाओ चेकआउट करो। अंबानी की शादी ब्रो, यार तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जहाँ पे तुम्हें जीरो के साथ साथ गरीब वाली फीलिंग भी आती है,
नहीं, अगर तुमने जिंदगी में कभी सोचा है ना कि अमीर लोग दिखते कैसे हैं, कुछ नहीं करना, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जाके चेक कर, खुद पता चल जाएगा। क्योंकि हर जगह अंबानी की बेटी की शादी की बातें चल रही है। हाँ, जब भी मैं ऑनलाइन जाके इनकी फोटो देख रहा हूँ ना, मेरे अंदर का जाकिर भाई जाग जाता है। गरीबों देखो, बाकी के गरीबों देखो अमीर लोग कैसे दिखते हैं। इटली में सोच सोच कर ताज्जुब हुआ, इतने बड़े बड़े स्टार है। शाहरुख खान दुनिया का सच हवस का सार है, 125 करोड़ है, ये कैसा संस्कार। सलमान खान गया था मैं पार्टी नाचने खाने फ्रीकी दारू पीने, मुझे क्या पता था फ्रीके चलते में पड़ जाएगी इज्जत दबाने, घर की आंटियों के बीच में रजिया नहीं सुल्तान फंसा है, न चाहूं मैं मिल मुझे चाहिए बस इनकी ही बिटिया है। सलमान का दिल देखना, ये लड़का अंबानी का लड़का आया लुटाड़ ले, सलमान खान बैकग्राउंड डांसर बन गया, बैकग्राउंड डांसर ब्रो। सलमान खान जो किसी की नहीं सुनता बैकग्राउंड में नाच रहा है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कितने बड़े लोगों की पार्टी आई है कि सलमान खान बैकग्राउंड डांसर है, तो सोचा कितना बड़ा स्टार होगा ये बंदा जो गिटार बजा रहा है। अभी ये तो कुछ नहीं, और प्रियंका चोपड़ा की अभी शादी हुई, दीपिका पादुकोण की अभी शादी हुई। अंबानी की शादी के सामने ना प्रियंका और दीपिका वाली शादी, हाँ, इट्स की जो कम्युनिटी सेंटर में रिसेप्शन नहीं होता थे उस टाइम लग रही है यार। अबे बियॉन्से तक बुलाइए बे, बियॉन्से आके हिला के जा रही है कमर। अरे क्या तुम सब, मैं तुम्हें बहुत सेलेक्टेड के लिए दिखा रहा हूँ, बट लिटरली तुम जाके सोशल मीडिया ऑन करो, तुम्हें सब जगह दिखेंगी यही फुटेज, और पहला थॉट तुम्हारे दिल में आता है हाँ कैसे, क्योंकि क्लियरली ये फ्री में तो नहीं आई है। बट फिर मुझे गॉडफादर याद आती है, क्योंकि अंबानी का एग्जैक्टली यही कहना होगा, ये तो बियॉन्से के लिए था, बॉलीवुड के लिए इनका अलग डायलॉग है। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सूचना से खबर आ रही है पार्किंग में गाड़ियां नहीं जट खड़े हैं, और सारा इंडिया ना इनकी शादी सोशल मीडिया पे देख के बिल्कुल ऐसे रिएक्शन दे रहा है। आसमान की तरफ काहे उंगली दिखा रहा है, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अम्मा को याद कर रहा है, ऊपर बैठी है ना। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। और बायगड ये भी छोड़ो बे, अंबानी लोग खुद भी नाच रहे हैं। और तुम लोगों को लगता था मैं घटिया डांसर, आई मीन सीरियसली ये डांस देख के तुम्हें प्रभु देवा हो, इसलिए कह रहा हूँ अभी डांस सीख लो, क्योंकि पैसे बनाने के बाद ऐसा डांस करोगे ना मेरे जैसे लोग यहाँ पे मजाक उड़ा रहे होंगे, मेरे जैसे लोग जो खुद ऐसे नाचता है। Why are we still here? Just to suffer. पर कुछ कर नहीं सकते यार, वो डांस में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कहीं नहीं बोला पैसे बनाने में स्ट्रगल करता हूँ बे। एक तो फोटो है जहाँ पे अंबानी का मुंह सड़ा हुआ है, और सारे लोग मीम पेल रहे हैं, जब तुम बैठे होते अपनी बेटी की शादी में पीछे से आवाज आ रही होती है शादी में कमी रह गई थोड़ी सी। मैं बता रहा हूँ ये इसलिए टेंशन में नहीं है, लास्ट टाइम ये प्रियंका वाले रिसेप्शन में था, और तब किसी ने पीछे से ये बोला, सर जीवा चल नहीं रहा है। अब ये इस खौफ में कि इस शादी में भी ना बोल दे, मतलब क्या है बे? वो शादी छोड़ के जाएगा टावर पर चढ़ेगा नेटवर्क देगा तेरे को, कुछ भी सर जीवा चल नहीं रहा है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया लाइक बटन सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज नोटिफिकेशन शाउट आउट जा रहा है यश को, अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारा नाम इन वीडियो में, शेयर दिस वीडियो, टैग मी इन दैट पोस्ट, क्या बोल अगली वीडियो में तुम्हारा नाम भी आ जाए, एंड जस्ट इन केस तुम उन लोगों में तुझे शेयर नहीं करने वाले, गरीबों करो गुड लक मिलेगा, तुम भी अंबानी बनोगे। और ये वीडियो करो ना करो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट स्मार्ट ट्रेंडिंग पर चला गया, उसकी वीडियो घटिया थी इस पर कोई डाउट नहीं, मेरा गाना उससे भी घटिया है, ट्रेंडिंग चाहिए थी समझ में आया क्या? अभी के लिए तो अभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। My support smart, जो स्मार्ट नहीं है, कल उसने एक वीडियो डाली है
जिसके बारे में तुमसे बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे हर जगह तंग करा है। इंस्टाग्राम वालों को तो पता है, बट अगर तुम फेसबुक और ट्विटर पे हो और तुमने नहीं पता था, या तुम यूट्यूब पे हो, सिर्फ जाके चेकआउट माई इंस्टाग्राम। मैं कल ही वीडियो बना चुका हूँ अपनी स्टोरीज में और मैं दोबारा कवर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ड्रामा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये चीज। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और कल मुझे किसी बंदे ने एक लिंक भेजी, मतलब लिटरली बहुत सारे न्यूज चैनल इस चीज को कवर कर रहे हैं। अल्लाह, मैं फेमस हो गया क्या? भाई अगर तुम्हें याद है मेरा गाना, हो गया मैं फेमस हूँ, एक दिन देखा था सपना, हो गया मैं फेमस हूँ, हो गया हो गया, एक दिन देखा था सपना, हो गया मैं फेमस हूँ, जो चाहा सब मिल गया, क्योंकि हो गया मैं फेमस हूँ। आज क्या इज्जत इंसान की नहीं होती, इज्जत जरूरत की होती है। जिस दिन जरूरत खत्म, उस दिन इज्जत भी खत्म।